गढ़गंगा गढ़मुक्तेश्वर में बहने वाली एक ऐसी पवित्र नदी जिसका इतिहास कौरवों और पांडवों के साथ जोड़ा जाता है। गढ़मुक्तेश्वर का ब्रिज घाट दिल्ली से करीबन 120 किलोमीटर दूर है। ऐसा माना जाता है कि यह जगह आज से लगभग 5000 साल पुरानी है। लेकिन इस जगह की जानकारी मुझे 2024 में मिली और फिर मैं निकल पड़ा गढ़मुक्तेश्वर की ओर। लेकिन 100 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद लाइफ की पहली हाईवे वाली चाय पी। ये रही। चलो भाई हमारी चाय तैयार हो गई। चाय का ग्लास कितने का पड़ रहा है? 30 रुपए का। जी। मतलब ये ढाबे की कॉस्ट है। बहुत स्वादिष्ट चाय है। चलो आज की गढ़गंगा को महाभारत के कौरवों के साथ भी जोड़ा गया। कहा जाता है कि महाभारत के समय पर जब श्री कृष्ण और पांडवों को विजय प्राप्त हुई थी, उनके मन में एक बोझ रह गया था कि हमने जीत तो प्राप्त कर ली लेकिन थे तो हमारे भाई बंधु। तो वो जो बोझ मन में मलाल था वो लेके हर जगह घूमते रहे, लेकिन आखिर में आके वो गढ़मुक्तेश्वर गढ़गंगा आए। यहाँ आके उन्होंने उनका पिंडदान करा और शिव की आराधना करी। इसलिए कहा जाता है कि गढ़गंगा यानी कि मुक्तेश्वर बहुत ही प्रचलित है पिछले 5000 सालों से। आज भी गढ़गंगा भारत के चुनिंदा तीर्थ स्थलों में से एक है। यहां दिवंगत आत्माओं के लिए पाठ, पिंडदान, मुंडन जैसी चीजें होती हैं। गढ़गंगा दर्शन के साथ यहाँ की छोटी और सुंदर सी मार्केट घूमना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन यहाँ चल रहे स्कैम से जरूर बचें। मेरे फ़ोन की बैटरी ना लगभग 20% हो चुकी थी, तो इस भाई ने मदद करके फ़ोन चार्जिंग पे लगा दिया जबकि ये सोलर पैनल पे चलता है। तो भाई को फिर भी बोल रहा हूँ थैंक यू सो मच भाई। क्या नाम है आपका? संजय। क्या नाम? संजय। संजय नाम है। तो ये आपको मिल जाएंगे यहाँ सामने ब्रिज घाट पे ही। तो एक बार फिर से धन्यवाद भाई आपका। चलिए अब करीब से जानते हैं गढ़गंगा को। अब जैसे मेरे पीछे आप देखोगे ना, कुछ लोग हाथ में दिया लेके अपना जितना भी क्रियाक्रम वगैरह बोलते हैं वो अपना कंप्लीट कर रहे हैं और जहाँ से लोग दिया खरीद के लेके जाते हैं। तो साथ साथ एक बार पूछ लेते हैं भैया कितने का पड़ता है ये? 20 रुपए का। अच्छा 20 रुपए का है। हाँ, प्राइस का फर्क है क्या? पीछे तो 10 रुपए का बता रहे थे। 20 का मिलता है। अच्छा 20 का है। अच्छा जो लोग यहाँ से बोतल लेके जाना चाहते हैं वो लेके चले जाते हैं गंगा भर के, कितने का पड़ता है? बोतल का प्राइस है या पानी के साथ है? नहीं नहीं ये खाली बोतल। अच्छा ये 20 रुपए की है बोतल छोटी वाली, ये 30 रुपए की है और वो 100 रुपए की है। और अगर कोई प्रसाद लेना चाहे तो 50 रुपए का 30 रुपए का। और इसी के साथ इस तरफ अगर कोई बोटिंग करना चाहता है, हम लोगों का भी यही प्लान था कि हम यहाँ आके बोटिंग करेंगे लेकिन बोटिंग नहीं करी क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था और मेरे घर से इसका जो डिस्टेंस है वो है 120 किलोमीटर। तो ये वेरी करता है कि आप कौन सी लोकेशन से यहाँ घूमने के लिए आते हैं या स्नान करने के लिए आते हैं। मुझे वहाँ ब्रिज घाट के उस टावर के पास जाना था, क्लॉक टावर के पास, लेकिन ना जाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि बैकग्राउंड में आप जो गाना सुन रहे हो ना हल्की हल्की आवाज़ में आपको आ रहा होगा,
वो मैं नहीं चाहता कि इसमें रिकॉर्ड हो, क्योंकि वो कॉपीराइट की प्रॉब्लम करेगा, तो मैं वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो इसमें आप देखो जैसे जैसे अंधेरा होना शुरू हो गया है ना, लोग दिए लेके जो भी उनका क्रिया है वो कर रहे हैं कम्प्लीटली, और लोग आके अपना स्नान तो कर ही रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से वॉक करते हुए आप देखो वो सामने आखिरी तक है बिल्कुल, जहाँ चाहे स्त्रियाँ हों, बोले तो फीमेल्स हों या मेल्स हों, सबके लिए सुविधा है। फीमेल्स के लिए अलग से कैबिन बना रखा है, मैं उसकी वीडियो आप लोगों को बीच में दिखा दूंगा, वहाँ जाके आप चेंजेस कर सकते हो। बाकी यहाँ आप देखो साथ साथ कि ये जो आप बोट्स देख रहे हो, ये बोट्स भी साथ में चलती है, जिनका किराया सिर्फ मात्र 100 रुपये पर पर्सन रहता है। अब जैसे जैसे अंधेरा होता जाएगा ना, ठंडी हवाओं का वेग शुरू हो जाएगा, और मैं सच बोलूँगा दोस्तों, यहाँ से आप सामने का व्यू देखो कितना ही प्यारा लग रहा है देखने में, कि ऊपर आपको चंदा दिख जाएगा गोल एकदम, और उसके बाद यहाँ जो एक पानी की आवाज़ें आप लोगों को डेफिनेटली आ ही रही होंगी, तो देखो कितना सूदिंग है, जिसको हम कहते हैं ना रिलैक्सिंग साउंड, कितना अच्छा लग रहा है सुन के देखो। यहाँ स्नान के साथ साथ ना आप लोग खाना भी खा सकते हो, मतलब फूड की अवेलेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। जैसे कि आप वो वाली रो देख रहे हो जहाँ पे पार्किंग है, मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा, उस पूरी एक लाइन में सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं जहाँ खाने के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और अगर बच्चे साथ में आते हैं तो उनके लिए तो और अच्छा ही है कि यहाँ पे एक झूला झूलने के लिए जो कि 50 रुपीज़ या 60 रुपीज़ के आसपास ऑलमोस्ट चार्जेस होंगे। तो अभी हमारा प्लान ये है कि यहाँ पे एक मशहूर छोले भटूरे वाले हैं, तो उसके पास जा रहे टेस्ट करने। अमूमन ऐसे दिल्ली से अच्छा तो छोले भटूरे नहीं मिलने वाले, बट फिर भी एक बार ट्राई करेंगे, क्योंकि रिकमेंडेड बाय अंकल मैं जिनके साथ आया हूँ। फॉलो का ऑप्शन नहीं आया अभी तक, फॉलो का ऑप्शन नहीं आया है। अच्छा इनमें से कौन कौन बड़े बच्चे इसमें बैठ के झूलने वाले हैं? सारे बैठो, सब बैठो। 20 रुपए में बच्चे नहीं बड़े भी इंजॉय कर सकते हैं।